तो देखो लास्ट क्लास पे हमने थ्योरम 10.8 कर लिया था। ये थ्योरम एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब इससे आगे चलते हैं। तो इस थ्योरम का एक सब पार्ट है, सब पार्ट मतलब कोरोलरी। ये देखो 10.9 ये थ्योरम है वैसे, बट 10.8 की हेल्प से सॉल्व होता है। द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। इसका स्टेटमेंट लिखो पहले। सर सर, जो हमने थ्योरम 10.8 किया था, हमने उसको उधर नहीं लिखा था। अच्छा तो लिख लो जाके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जगह पे लिख लो जाके। क्या क्या लिखोगे? थ्योरम का नंबर लिखोगे, स्टेटमेंट पूरा पूरा लिखोगे, वो तीनों फिगर्स बनाओगे। और तीनों फिगर्स में क्या क्या बनाओगे वो देख लो। ए ओ सी बी, ए ओ बी सी, ए ओ बी सी, इन तीनों फिगर में लिखोगे। ये फिगर वन, फिगर टू एंड फिगर थ्री। फिगर वन में लिखोगे एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ए सी बी। ये किसके लिए है? फॉर वन एंड टू के लिए। फिगर थ्री के लिए यहां पे रिफ्लेक्स ए ओ बी is twice angle ACB। इतना लिख लो। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, इसमें लिखा है एक सर्कल है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। कैसे बनता है सेमी सर्कल में एंगल देखो। तो सेमी सर्कल के लिए हम एक डायमीटर फॉर्म करते हैं। ये डायमीटर फॉर्म कर लिया, सेंटर से पासिंग थ्रू एक कॉर्ड, लॉन्गेस्ट होती है सर्कल में। अब इस सेमी सर्कल में एंगल देखो कैसे फॉर्म होगा। ये मान लिया हमारा ए है, ये ओ है, ये बी है। सेमी सर्कल में कहीं भी एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट सी ले लिया। अब ए को सी से मिलाना है, सी को बी से मिलाना है। ए को मिलाना है सी से एंड सी को मिलाना है बी से, ऐसे। तो हमें प्रूफ करना है ए सी बी कितना होगा, 90 डिग्री। इन सर्कल सेंटर ओ रेडियस आर, ए बी इज डायामीटर। ए बी क्या है? डायामीटर है। टू प्रूव एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। ए सी बी को 90 प्रूव करना है। प्रूविंग, हमने जो थ्योरम 10.8 प्रूव किया था ना, उस थ्योरम को यूज करेंगे यहां पे। देखो ए बी क्या है, ये एक आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क है। तो ये आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगी, ये एंगल डबल होगा इस एंगल का। यस और नो? यस सर। सो एंगल ए ओ बी इट विल बी डबल एंगल ए सी बी। इसका रीजन क्या होगा, पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल
द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल ठीक है. एओ बी तो स्ट्रेट लाइन है, देख रहे हो ना, एओ बी स्ट्रेट लाइन है. बट एओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन. एओ बी अगर स्ट्रेट लाइन है तो एंगल एओ बी कितना होगा? 180 डिग्री. लीनियर पेयर, लीनियर एंगल होता है ना. तो एओ बी की वैल्यू यहां पे पुट करो, 180 इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी. तो यहां से एंगल ए सी बी कितना मिलेगा? 180 अपॉन 2, ये हो गया 90 डिग्री. बस यही है. बोलो क्लियर? यस. ठीक है, करो कॉपी. तो जहां पे सारे फॉर्मूले कलेक्ट कर रहे हो स्टार्टिंग में चले जाओ, वहां पे थ्योरम 10.9 ये स्टेटमेंट लिखोगे, ये फिगर ड्रॉ करोगे, और उसके बाद लिखोगे इफ ए बी इज अ डायामीटर देन एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री. इतना लिख लो. नेक्स्ट थ्योरम 10.10, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. ठीक है, ये भी अच्छा थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. सेगमेंट समझते हो ना क्या होता है? कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन. तो मान लिया एक कॉर्ड बनाते हैं ए बी, तो ये एक सेगमेंट हो गया. अब इस सेगमेंट में अगर कोई एंगल फॉर्म करना है तो कैसे फॉर्म करेंगे? सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट ले लो सी, सी से ए को ज्वाइन करो और सी से बी को ज्वाइन करो. तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये ए सी बी, वो इस वाले सेगमेंट में फॉर्म हो रहा है, इस सेगमेंट की वजह से फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो इस एंगल को क्या बोलोगे? एंगल इन सेगमेंट ए बी. अच्छा, एक और एंगल ले लेते हैं. इधर मान लो कोई एंगल ले लिया ए डी बी, तो ये एंगल भी इसी सेगमेंट में फॉर्म हो रहा है. तो अभी ये कहा जा रहा है कि सेम सेगमेंट में अगर एंगल फॉर्म होता है तो वो इक्वल होते हैं. सेम सेगमेंट में अगर एंगल फॉर्म होता है तो वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है. ये वाली जो सेगमेंट थी वो माइनर सेगमेंट थी. सेगमेंट सिर्फ माइनर तो होती नहीं है, है ना? सेगमेंट हमारी सेमी सर्कुलर भी हो सकती है. तो ये दो केसेस भी हैं. हमारी मेजर सेगमेंट भी हो सकती है. है ना? यस सर. सर ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा जरा बताओ मुझे. कैसे सर? सर हम उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, जैसे AO इज इक्वल्स टू, ये सेंटर नहीं है, ये सेंटर नहीं है, ध्यान रखो. ओके सर. पॉइंट देख रहे हो, वो सेंटर नहीं है. ये सेंटर कैसे होगा ये बताओ. यहां देखो, ये मान लो सर्कल है, एक एंगल हम इधर बना रहे और एक एंगल इधर बना रहे. सेंटर तो यहां पे है सर्कल का. कहां से सेंटर है? यस सर. जरूरी नहीं है वो सेंटर हो. सेंटर होगा तो भी एक इक्वल आएंगे.
बट सेंटर नहीं है, ठीक है। ओके सर, अब देखो प्रूव कैसे करेंगे। तो इन सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस आर, मान लेते हैं कंस्ट्रक्शन से ये सर्कल का सेंटर है ओ, तो ओ से ए को ज्वाइन करेंगे, ओ से बी को ज्वाइन करेंगे। ये सर्कल का सेंटर है, यहां ओ से ए, ओ से बी ऑलरेडी ज्वाइंड है। तो अभी क्या है, इन तीनों ही फिगर में ओ सर्कल का सेंटर है, ठीक, इतना ही गिवन है और कुछ गिवन नहीं है। ये फिगर वन है मान लिया, फिगर वन माइनर सेगमेंट, फिगर टू सेमी सर्कुलर सेगमेंट, और फिगर थ्री मेजर सेगमेंट। टू प्रूव एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये प्रूव करना है तीनों ही फिगर्स के लिए। देखो प्रूविंग स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, तीनों ही फिगर में ओ से ए को एंड ओ से बी को ज्वाइन कर लिया, ओ ए एंड ओ बी तीनों ही फिगर में ज्वाइन किया है। देखो प्रूविंग, सबसे पहले इस एंगल सी को एंगल ओ से रिलेट करो। क्या रिलेशन होता है, तो एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस एंगल ए सी बी, यस और नो? यस सर। वो बड़ा सा रीजन लिख दोगे यहां पे, जो थोड़ा देर पहले मैंने लिखा था, इसको बनाओगे इक्वेशन नंबर वन। अच्छा, एंगल ए डी बी को भी ओ से रिलेट कर सकते हो, एंगल ए बी बी इज ऑल्सो, नहीं सॉरी उल्टा हो गया, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इज ट्वाइस एंगल ए डी बी, इक्वेशन नंबर टू। तो ये दोनों एंगल ए ओ बी से रिलेट हो गए, तो आपस में इक्वल होंगे ना फिर, अगर ये एंगल भी इसका हाफ है, ये एंगल भी हाफ है। देखो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो इस वाले एंगल का डबल होता है, और ये वाला एंगल सेंटर पे जो एंगल बनता है उसका हाफ होता है। तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू एओबी इक्वल है, तो टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू टू एंगल ए डी बी, टू से टू काट सकते हैं, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। ये प्रूविंग हुई सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट में हमको रिफ्लेक्स वर्ड ऐड करना है, तो थर्ड पार्ट में कैसे होगा देखो, फॉर थर्ड पार्ट में रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस एंगल ए सी बी, इसको थर्ड इक्वेशन ले लिया, और फिर से रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए डी बी, फोर्थ इक्वेशन। सो फ्रॉम थ्री एंड फोर, फ्रॉम थ्री एंड फोर, टू एंगल ए सी बी इज टू एंगल ए डी बी, टू से टू कर लो कैंसिल, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये हो गया प्रूव। बोलो क्लियर तीनों ही फिगर में? यस सर। कॉपी करो, चले नेक्स्ट पे। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज में, हमारी लास्ट एक्सरसाइज 10.5 है, तो एक दो क्वेश्चन करते हैं उसके पहले, फिर कुछ और थ्योरम्स प्रूव करेंगे, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट में फिर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे सर्कल चैप्टर के। 10.5 क्वेश्चन नंबर वन, स्टार्टिंग में क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे, बेसिक, बस थ्योरम यूज करके आंसर निकालने वाले, फिर धीरे धीरे एप्लीकेशन भी आएंगे। In figure, A, B and C are three points on a circle with center O. ये देखो A, B, C, ये तीन points हैं circle पे, इसका center O पे है। B, O, C 30, ये angle 30, A, O, B 60,
ये 60 है. D is a point on the circle other than the arc ABC. तो ABC के अलावा दूसरे किसी पॉइंट पे D भी एक पॉइंट है. ADC की वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखो एंगल AOC B पॉइंट को हटा लो यहां से, मान लो B नहीं है. तो एंगल AOC, ये जो एंगल है कंप्लीट एंगल, ये AC आर्क ने सेंटर पे सबटेंड किया ना. अगर B पॉइंट को हटा ले तो AC आर्क है वो सेंटर पे एंगल AOC सबटेंड कर रही है. ये वाला एंगल क्या होगा, इस एंगल का डबल, क्योंकि AC आर्क अदर पार्ट पे ADC सबटेंड कर रही है. तो टू एंगल ADC, यहां पे वो लंबा वाला रीजन लिख लोगे, ये थोड़ी देर पहले हमने आज ही लिखा था. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. ये पूरा स्टेटमेंट यहां पे लिख लोगे. अब हमको निकालना है एंगल AOC की वैल्यू. तो एंगल AOC कितना हो गया, 60 प्लस 30, दोनों ऐड कर लेंगे तो AOC आ जाएगा. ये 2 एंगल ADC, तो एंगल ADC की वैल्यू कितना हो गया, 90/2, ये आ गया 45 डिग्री, जो कि हमारा आंसर है. तो इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, 10.5 का फर्स्ट क्वेश्चन. फिगर ड्रॉ करो और ये सॉल्यूशन कॉपी करो. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये सिचुएशन है. A chord of a circle is equal to the radius of a circle. Question number 2. तो एक chord है जो circle के radius के equal है. यहाँ देखो, इस figure में PQ chord PO और OQ के equal है, क्योंकि दोनों ही radius हैं. तो अगर इस triangle OPQ में ये तीनों length equal हो गई, तो triangle कौन सा हो गया? Equilateral हो गया ना? Yes sir. किसी भी triangle में तीनों side equal, तो ये triangle equilateral हो गया. अब equilateral में सारे angles 60 होते हैं. ये भी 60, ये भी 60. सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. तो इस ट्रायंगल में ये एंगल 60, ये एंगल 60 और ये वाला एंगल भी 60. हमें बस PQ आर्क ने सेंटर पे क्या सबटेंड किया है वो एंगल चाहिए होता है. तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री सेंटर पे बना है. अब सेंटर पे जो एंगल बना है देखो, वो PQ आर्क ने, एक्चुअली PBQ आर्क ने बनाया है. तो PBQ आर्क सेंटर पे अगर 60 बनाती है, तो अदर पार्ट ऑफ सर्कल पे कितना बनाएगी, इस 60 का हाफ बनाएगी ना. तो ये हो गया 30 डिग्री. इतना काम कर ले पहले. इन ट्रायंगल OPQ, OP इक्वल टू OQ इक्वल टू PQ, ये था गिवन. So, triangle OPQ is an equilateral triangle. Equilateral triangle हो गया. सारे angle होंगे 60 degree and angle O, that is angle POQ equal to 60 degree. अब देखो, angle POQ, ये जो एंगल है वो कितना होगा, ट्वाइस होगा एंगल PAQ के. वही रीजन लिखने हैं अभी. POQ कितना होगा, PAQ का डबल. तो 60 डिग्री इक्वल टू 2 एंगल PAQ. एंगल PAQ कितना होगा फिर, 60/2, 30 डिग्री. तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. तो major arc पे हमने point A लिया है, minor arc पे हमने point B लिया है. तो वही arc, मतलब PQ जो arc है, वो major arc पे बनाती है 30 degree और minor arc मतलब छोटा सा arc जिसका center पे measurement 180 से छोटा हो. तो PBQ कौन सा arc हो गया, major arc नहीं minor arc हो गया. तो माइनर आर्क पे पॉइंट बी है, अब ये एंगल भी बताना है हमको. तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, देखो ये एंगल तो रिफ्लेक्स एंगल का हाफ होगा इस वाले का, है ना, यस और नो?
कैसे? ये सिचुएशन याद करो, इस वाले सिचुएशन में क्या होता है, ये मान लो ए है, ये ओ है, ये बी है। देखो जब भी यहां पे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाए ना, सेंटर को इंक्लूड करते हुए जब भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो, तो ये जो एंगल होता है वो इस वाले एंगल का हाफ होता है, रिफ्लेक्स एंगल का। इस वाले का हाफ किधर बनेगा? इस वाले का हाफ ऐसे बनेगा नीचे, ये बोलो बात समझ आ रही है? Yes, yes. थोड़ा सा कम समझ आ रहा है। देखो मैं तीनों फिगर फिर से बनाता हूं। तीनों फिगर में बस डिफरेंस तुम्हें ऑब्जर्व करना है। देखो एक लेते हैं माइनर आर्क, ए बी हमारी माइनर आर्क है, तो कैसे बनता है एंगल? इस तरीके से बनता है, ए बी, ये ओ है, ये सी है, अगर मेजर आर्क नहीं सेमी सर्कुलर आर्क है, तो ये ए, ये बी और ये सी, ये पॉइंट ओ है। अगर मेजर आर्क है तो कैसे एंगल बनता है? ऐसे बनता है ना, ए ओ बी और सी। अब देखो इसमें और इसमें और इसमें क्या होता है रिलेशन, तो ये जो एंगल ए ओ बी है ये होता है डबल इस वाले एंगल का, ए सी बी का। ये वाला एंगल ए ओ बी डबल होता है इस वाले एंगल का, इधर भी एंगल ए ओ बी इस वाले का डबल होता है। तो थर्ड फिगर में रिफ्लेक्स की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए ओ बी कितना है, मेजर आर्क जो है हमारी, जो पिंक से अभी शेडिंग हो रही है, ये तो मेजर आर्क है। तो तुम्हें तो पता है ना मेजर आर्क सेंटर पे 180 से बड़ा एंगल सबटेंड करती है। Yes, तो अगर इसमें लिखा है मेजर आर्क ने क्या क्या सेंड किया है, मेजर आर्क सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ तो इसने ये पूछा है माइनर आर्क कितना एंगल बनाती है और मेजर आर्क कितना एंगल बनाती है, मेजर आर्क में जो पॉइंट है, तो मेजर आर्क में पॉइंट कौन सा है, ए, और माइनर आर्क में जो पॉइंट है वो बी है। तो माइनर आर्क पे जो पॉइंट है बी, उस वाले पॉइंट पे ये पूरा मेजर आर्क क्या सबटेंड कर रहा है ना। तो यहां पे देखो मेजर आर्क का मेजरमेंट एट द सेंटर 180 से बड़ा होता है, पॉइंट बी पे एंगल कौन सबटेंड कर रहा है, मेजर आर्क की वजह से हो रहा है वो। तो मेजर आर्क का मेजरमेंट एट द सेंटर तो ये है ना, और मेजर आर्क है तो ये मेजरमेंट 180 से बड़ा होगा, मोर देन 180 होगा। तो रिफ्लेक्स लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यस सर। एक बात एकदम दिमाग में बिठा लो कि जब भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाए तो हमेशा हम रिफ्लेक्स एंगल यूज करते हैं। यहाँ पे ए ओ बी सी क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया ना, तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल से रिलेट करेंगे। अब देखो क्वेश्चन पे वापस आते हैं, फिगर में काफी कुछ डेंटिंग पेंटिंग हो गया है, मैं एक्स्ट्रा चीजें हटा रहा हूं। देखो अब हमको एंगल पी बी क्यू चाहिए, तो पी बी क्यू देखो ये वाला एंगल है और ये क्वाड्रिलेटरल बन गया है ओ पी बी क्यू, तो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू जो होगा वो डबल होगा पी बी क्यू का। अब किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स अगर चाहिए तो फॉर्मूला मैंने बताया है, 360 में से उस एंगल को माइनस कर लेते हैं, ये हो गया ट्वाइस एंगल पी बी क्यू। ये फॉर्मूला याद है ना लाइंस एंड एंगल्स का? यस सर। ये बन गया 360 माइनस 60 इक्वल टू 2 एंगल पी बी क्यू, तो 2 एंगल पी बी क्यू कितना हो गया 300 डिग्री, और एंगल पी बी क्यू कितना हो गया 350, हाँ 150 डिग्री, तो ये हो गया आंसर। क्लियर? यस सर। देखो इतना तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब एक बड़ा सा थ्योरम करना है जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है?
जितना आज पढ़ा दिया उसको रिवाइज करते रहो, थ्योरम्स की प्रैक्टिस करते रहो। सर्कल्स में अभी एक दो क्लासेस या कम से कम तीन क्लासेस और लगेंगी, हमको एक दो थ्योरम करने हैं और भी इम्पोर्टेंट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का करना है और भी है, उसका कन्वर्स भी करना है, और फिर एक्सरसाइज 10.5 के बाकी क्वेश्चंस हैं। तो अभी 3 से 4 दिन इसमें और लगने वाला है, नेक्स्ट क्लास पे इससे आगे चलेंगे। ओके सर, बाय सर।